वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आज हम सीखेंगे VLOOKUP का यूज कि VLOOKUP हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो VLOOKUP हम क्यों यूज करते हैं? सपोज दैट कि मुझे कोई वैल्यू लानी है किसी के अगेंस्ट, तो मुझे अब क्या करना है, मेरे पास ये डेटा है, ठीक है। तो इसमें डेटा में जैसे फर्स्ट कॉलम में टाइटल, दूसरे में डायरेक्टर है और तीसरे में जॉनर। तो मुझे किंग कॉन्ग, यानी कि ये मूवी नेम है किंग कॉन्ग, किंग कॉन्ग को मुझे अगर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अब मुझे किंग कॉन्ग के डायरेक्टर का नाम मानना है, मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर क्या होना है, ठीक है। सपोज दैट कि इसमें अभी तो ये केवल 10 या 11 डेटा है, अगर ये तो हजारों का डेटा है तब आपको डेटा लाना है, 10 नाम दे दिया आपको कि आपको जैसे अलग अलग ये सारे ये नाम दे दिया जाएंगे आपको कि इन मूवीज के डायरेक्टर नेम बताओ आपको। तो क्या करोगे आप, आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप कॉपी करोगे, यहाँ पे आप उसको पेस्ट करोगे, सर्च करोगे और इसके आगे जो भी डेटा है, जो भी डायरेक्टर नेम है, आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। तो ऐसा करके आप मैनुअल करोगे, तो मैनुअल कब तक करोगे, बार बार थोड़ा मैनुअल, तो इसलिए आप हम यहाँ पे VLOOKUP यूज करेंगे। तो इसका यूजेज देख कैसे यूज करते हैं, इक्वल सेम जैसे हम फॉर्मूला यूज करते हैं VLOOKUP टाइप कर, जैसे VLOOKUP टाइप करेंगे तो कोई हमारा लुकअप आ गया, उसके बाद हम टैब यूज करेंगे। टैब यूज करते ही हम उसके बाद हम अगर हमें क्या लुकअप करना है, तो पहला हमारा बोल हो गया लुकअप, तो हमें ये देखना है किंग कॉन्ग, ठीक है। सिंगल सेल लेना है, यहाँ पे लोग गलती करते हैं पूरा कॉलम यूज कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखना, फिर कॉमा। अब हम टेबल ले रहे हैं, यानी कि हमको वो टेबल लेनी है जिसमें से हमें डेटा लेना है, और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जहां से जो वैल्यू हम कब करें वहीं से लें। अगर सपोज करो कि ये टाइटल नेम हमारा सेकंड पे होता है, तो हमें सेकंड से ही डेटा उठाना था। अभी हमारा हमारा कौन से कॉलम में है किंग कॉन्ग वाला डेटा, वो हमारा फर्स्ट कॉलम से, और इसको पूरा सेलेक्ट करना है, पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है, कॉमा। अब यहाँ पे आता है कॉलम इंडेक्स नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें डेटा कौन सा चाहिए। तो हमें फर्स्ट कॉलम में तो हमारा ये मूवी नेम, सेकंड में हमें डायरेक्टर नेम, हमें डायरेक्टर नेम चाहिए, तो हमें सेकंड कॉलम, हम यहाँ पे सेकंड टाइप करेंगे, फिर हम यहाँ पे कॉमा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन पूछता है कि ट्रू या फॉल्स, अगर ट्रू लेते थे अप्रोक्सीमेट मैच कर रहा है, यानी इसको वन से डिनोट करते हैं, और जो फॉल्स है उसे हम जीरो से डिनोट करते हैं, हमेशा हमें जीरो ही लेना है, एग्जैक्ट मैच लेना है, ओके एंटर। देखो दोस्तों हमारा, अब हम इस फॉर्मूला को ट्राई, तो ऑटोमेटिकली हमारा डेटा है ना, बड़ा ईजी। तो चलिए दोबारा हम इस फॉर्मूला को दोबारा यूज करते हैं। अब सपोज दैट कि मुझे ट्रांसफार्मर है, इसका मुझे डायरेक्टर चाहिए, ये जॉनर चाहिए, चलो अब जॉनर, तो हम यहाँ पे जॉनर के इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक चीज VLOOKUP लगाने से पहले हम एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमेशा VLOOKUP उसी फील्ड में लगाना जो कि यूनिक हो। तो मैंने डुप्लीकेट वाला भी बताया आपको कि हम डुप्लीकेट कैसे फाइंड करेंगे, जैसे एम्प्लॉय आईडी हो गई या कस्टमर आईडी हो गई, ऐसे करके डेटा होता है जो कि यूनिक होता है, ये हमारा आधार कार्ड एक यूनिक नंबर है, हमारा पैन कार्ड एक यूनिक नंबर है, ऐसा डेटा डेटा पे लगता है, उसके अगेंस्ट में हम डेटा लगते हैं। अब हो सकता है कि स्पाइडरमैन के नाम से दो तीन मूवी होती है, बट उसमें हम क्या करते हैं स्पाइडरमैन 1, 2, 3 ऐसा करके, तो इसलिए ये भी हम यूनिक ही मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम जॉनरी का यूज करते हैं, सेम VLOOKUP, लुकअप वैल्यू सिंगल सेल यूज करना है, फिर कॉमा टेबल ले रहे, तो हमें पूरा ये यहाँ तक सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा, अब ये जॉनर हमारा कौन सा था, 1, 2, 3, तो तीसरे कॉलम को भी सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा, फिर यहाँ पे हम जीरो लेना है, बिना देखे बिना उसको सोचे जीरो ले लेंगे, और हमारे डेज है। अब हम इन दोनों को हम ट्रैक कर सकते हैं कंट्रोल डी कर दें, कंट्रोल डी करने का मतलब होता है कि ऊपर वाले डेटा को हम नीचे पेस्ट कर दें, तो कॉलम डी जैसे हम करेंगे कंट्रोल डी, तो डेटा हमारा ऑटोमेटिकली ऐसा, चाहे वो फॉर्मूला हो चाहे हमारा डेटा हो, ड्रैग हो। देखा दोस्तों कितना ईजी है हमारा VLOOKUP लगाना, बट VLOOKUP का एक छोटा सा कॉन हो। अब कॉन क्या है उसका, कि ये केवल राइट हैंड साइड को ही डेटा देखता है, सपोज दैट ये इसको मैं एक इंसर्ट करता हूँ डेटा आपको समझाने के लिए, ये डायरेक्टर नेम अगर ये इधर होता, फिर अगर हमको कोई डेटा बनाने के लिए बोलता है मूवी के अगेंस्ट में डायरेक्टर नेम, हम यानी कि हमारी लेफ्ट में चला गया, तो हम ये डेटा हम अब इसमें VLOOKUP यूज नहीं कर सकते,
हम दो ऑप्शन यूज करेंगे इसमें, या तो हमारा होगा एक मैच इंडेक्स जो कि मैंने पहले कवर किया हुआ है, मैं आपको वीडियो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेक्स्टबुक जो कि अभी लेटेस्ट है फंक्शन, तो वो भी मैंने उसका वीडियो कवर किया हुआ है, तो वो टॉपिक मैंने पूरा कवर किया हुआ है, तो आप उसे भी चेक कर लो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।